भाई पर ऊपर पे खड़ो एक बार रुक जाओ पर एक मिनट रुको आज 5 बजे के करीब एक नेशनल हाईवे पर थाना छपार के अंतर्गत मोटरसाइकिल लूट की घटना हुई थी, जिस पर तत्काल पूरे जनपद में चेकिंग कराई गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी छपार भी अपने क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। रई गांव के पास जब वो चेकिंग कर रहे थे तो उन्हें मोटरसाइकिल पर संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने चेकिंग के लिए रोका, वो लोग भाग लिए, क्योंकि इसका पूरा फ्लैश हो रखा था मैसेज पूरे जनपद में। इनकी घेराबंदी और पुलिस का मूवमेंट भी बढ़ा हुआ था। जब ये राइस है और रामपुर गांव की तरफ भाग रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, जिसमें अपने आप घिरा पाकर बदमाशों द्वारा पुलिस की गाड़ी पर फायर किया गया, जिससे कि पुलिस की गाड़ी का शीशा भी टूट गया था। पुलिस के इंस्पेक्टर जो वहाँ के थे उनके द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई, जिसमें एक बदमाश से गोली लगी। जब उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम नदीम बताया उसने अपना नाम, जो छपार में ही बरला का रहने वाला है, 15,000 का इनामी है। और जो मोटरसाइकिल उससे बरामद हुई वो संभवतः वही मोटरसाइकिल है जो करीब 5 बजे के करीब हाईवे से लूटी गई थी। सर कोई अपराधी इसका अभी जो अपराधिक इतिहास ज्ञात किया था, इस पर एक्सटॉर्शन और 307 का मुकदमा था, जिसमें इसमें इनाम भी था। इससे पूर्व भी इसके कुछ मुकदमे चोरी के व अन्य मुकदमे संज्ञान में आए हैं। बाकी इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, अन्य थानों से भी जानकारी की जा रही है। कितने नाम है सर? 15,000। इसका एक साथी भागने में सफल रहा है, जिसका नाम इसने आंसू बताया है, और उसके बारे में और अधिक जानकारी छानबीन की जा रही है।